to our Vito Smart. My name is Kitas Patil and I'm here to teach you mathematics. So today we will start a new journey of class 10, chapter 1, that is real number. So today we will learn some short definition and short terms. So starting with real number, okay? Real number. So real number हमारा क्या होता है? जितने भी all rational and irrational numbers होते हैं, और called real number. जितने भी rational and irrational. तो rational number हमारा क्या होता है? Rational number वो number जो कि the numbers which is in the form of p by q, where q is not equal to 0, okay? So the number which is in the form of p by q, where q is not equal to 0, वो नंबर जो कि मतलब रेशनली डिवाइडेड हो, जैसे 1/3, 4/2, 7/6, ये सब हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है? टिक वहां जहां पर q 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर जब यहां 1/0 हो जाएगा तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक? इसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर, दो नंबर विच आर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है? वो नंबर जो कि एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते किस फॉर्म में? p by q फॉर्म में. एग्जांपल इसके क्या है? √2, √3, √5 नहीं, ठीक है? तो अब हम जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं. हमें इंटीजर्स जैसे -∞ टू +∞, ठीक है? इसमें क्या क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये हमारे और ये सोन, ठीक? ये हमारे इंटीजर्स होते हैं. उसके बाद नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर जो काउंट द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. होल नंबर्स, होल नंबर ये सब छोटे क्लासेस की डेफिनेशन है. होल नंबर्स, होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर की ही तरह होते हैं, लेकिन बस उसमें क्या ऐड होता है? 0, ठीक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके? ऐसे. फिर आता है हमारा इवन नंबर्स. इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है? इवन नंबर्स हमारे होते हैं द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2n. 2n मतलब द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2n, ठीक है? तो 2n के फॉर्म में मतलब अगर हम n की प्लेस पे कोई नंबर रखते हैं, जैसे 2 into हमने n की प्लेस पे 1 रखा, तो हमारा तब क्या है? 2, जो कि एक इवन नंबर है. फिर हमने n की प्लेस पे हमें क्या रख दिया? 3 रख दिया,
फिर 2 की प्लेस मतलब n की प्लेस पे हमें 3 रखा, तो 2 3 जा 6, फिर हमारा इवन नंबर आया ठीक। तो n प्लेस पे जब तक हम कोई भी नंबर रखते रहेंगे 1 2 3 4 टू इनफिनिटी वो इवन नंबर ही देगा ठीक, तो उसे हम इवन नंबर कर देंगे ठीक। और ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर जो कि 2n माइनस 1 होंगे ठीक, द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ 2n माइनस 1 ठीक। तो 2n माइनस 1 मतलब 2n माइनस 1 में क्या आ जाएगा, 2 इनटू हमने n की जगह पे 2 रख दिया माइनस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आया जो कि एक ऑड नंबर है ठीक। ऐसे ही हम n की प्लेस पे कोई भी नंबर रखते जाएंगे तो वो ऑड ही बताएगा ठीक। अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर ये सब हमने 6th 7th क्लास में पढ़े हैं। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स द नेचुरल नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन 1 एंड डिजर्व बाय इटसेल्फ और 1 ओके। द नंबर व्हिच आर डिविजिबल ओके डिविजिबल बाय 1 ओके और बाय इटसेल्फ ठीक है। अब हमारे कंपोजिट नंबर वो नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो और वो नेचुरल नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो या और किसी नंबर से डिविजिबल है। द नंबर which are divisible by itself or by any other number okay। तो prime number का example जैसे हमने ले लिया 2, 3, 5, 7 ये सब किससे 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है ठीक है। हमारे कंपोजिट नंबर के एग्जांपल जैसे 4, 6, 8, 10 ओके ये हमारे 2 से भी डिविजिबल है 4 से भी डिविजिबल है, ये भी हमारे 2 से 3 से डिविजिबल है, ये भी हमारे 2 4 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है ठीक है। ऐसे कंपोजिट नंबर भी होता है। इसके बाद आता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। Growing up ain't easy.